Hey guys, welcome back to the CMA Junction. In this video, we are going to continue study note 8 related to strategic financial management, that is security analysis and portfolio management. So, हम अभी security analysis पढ़ रहे हैं हमारे lectures के through और आज हम security analysis से ही related एक और part पढ़ने वाले हैं, that is statistical models and Bollinger Bands. सो स्टैटिस्टिक मॉडल्स में आपका एक ही मॉडल यहाँ पे कवर किया गया, दैट इज मूविंग एवरेजेस. अब ये मूविंग एवरेजेस क्या है, नाम खुद ही बता रहा है कि हम यहाँ पे एवरेज निकालते हैं और एवरेज जो रहता है वो मूविंग रहता है. मतलब फॉर एग्जाम्पल हम 10 डेज का एवरेज निकाल रहे हैं तो 10 डेज हम मूविंग लेते जाएंगे, मतलब हर 10 डेज अलग अलग 10 डेज लेते जाएंगे मूविंग होते होते. ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, आपको फुल क्लैरिटी होगी. सो देखिए क्या लिखा है, मूविंग एवरेजेस आर यूज टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स. ट्रेंड्स को फाइंड आउट करने के लिए हमारा बहुत ईजी होता है अगर आप मूविंग एवरेजेस निकाल लें, और रिवर्सल्स भी आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहाँ पे ट्रेंड आपका चेंज हो रहा है. When the price is above moving average line से अगर ऊपर होता है तो उसको हम ऐसा मानते हैं कि अप ट्रेंड चल रहा है, और अगर वो नीचे होता है तो हम मानते हैं कि डाउन ट्रेंड चल रहा है. ठीक है, सो इसके दो हमारे पास अर्थ दो मेथड से बोल सकते हैं आप, या फिर दो टाइप्स है मूविंग एवरेज के, एक है अर्थमेटिकल, दूसरा एक्सपोनेंशियल. सबसे पहले मूविंग एवरेज को हम अच्छे से देख लेते हैं, फिर उसके बाद उसके टाइप्स को हम देखेंगे. सो देखिए, हमारे पास हमने बोला कि मूविंग एवरेज आपका ट्रेंड्स फाइंड आउट करता है, ट्रेंड्स फाइंड आउट करता है और कब कब ये रिवर्स हो रहा है वो भी फाइंड आउट किया करता है. इसके साथ साथ अगर मूविंग एवरेज लाइन से ऊपर होगा आपका तो वो आपका अप ट्रेंड कहलाता है, और नीचे होंगे आपके प्राइजेस तो वो आपका डाउन ट्रेंड कहलाता है. सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं, एज ये हमारी मूविंग एवरेज की लाइन है जो आपको व्हाइट कलर की लाइन यहाँ पे दिख रही है, उसके बाद अगर आप यहाँ उसके नीचे वाली लाइन पे देखें तो ये हमारा क्या दिखा रहा है, डाउन ट्रेंड दिखा रहा है. और हमें बोला गया कि प्राइस हमारा मूविंग एवरेज के लाइन के नीचे वाले प्राइजेस आपको डाउन ट्रेंड दिखाएंगे और उसके ऊपर वाले प्राइजेस हमको अप ट्रेंड दिखाएंगे, तो वही चीज आपको यहाँ पे शो हो रही है. इसके साथ साथ आपको ट्रेंड रिवर्सल्स बताए गए हैं कि कहाँ कहाँ पे ट्रेंड चेंज हो रहा है. सो ये एक पॉइंट था जहाँ पे ट्रेंड रिवर्स होके डाउन ट्रेंड बना, और ये एक पॉइंट है जहाँ पे आपका ट्रेंड अप ट्रेंड हो रहा है, फिर ये एक पॉइंट है जहाँ पे आपका ट्रेंड डाउन ट्रेंड हो रहा है. सो यहाँ पे हमको ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट्स भी पता चल रहे हैं कि कौन कौन से हमारे ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट्स है. अबव वाला अप ट्रेंड होगा और हमारे मूविंग एवरेज लाइन के नीचे वाले प्राइजेस डाउन ट्रेंड्स होंगे. ठीक है, सो ये हो गया हमारा मूविंग एवरेज से रिलेटेड ट्रेंड रिवर्सल्स, अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड. एक चीज और ध्यान रखिएगा, मूविंग एवरेज जो है हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह भी काम करता है कई सारे केसेस में. सो यहाँ पे आप देखिए, ये जो हमारा डायग्राम है इसमें हमारा ये जो पार्ट है, देखिए यहाँ पे हम सपोर्ट किसको बोलते हैं, जिसके नीचे हमारा प्राइस नहीं जाता और वहां तक पहुंचता है तो वापस बाउंस बैक हो जाता है. तो सिमिलरली ये हमने व्हाइट लाइन से मूविंग एवरेज आपको शो किया है, और यहाँ पे आप देखें तो ये जो लाइन है, ये लाइन से प्राइजेस जो है हमारे टच भी हो रहे हैं तो वापस बाउंस बैक हो जा रहे हैं. इन दैट केस ये हमारा सपोर्ट की तरह काम कर रहा है. और सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपकी मूविंग एवरेज लाइन ऊपर में है और ये रेसिस्टेंस की तरह काम कर रही है, एज प्राइस यहाँ पहुंच के वापस बाउंस बैक हो रहा है. तो जो हमारा मूविंग एवरेज लाइन है कई बार सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरह भी वर्क करता है. ठीक है, सो एक और पॉइंट यहाँ पे आता है कि मूविंग एवरेज से क्या हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कब हमको अपने शेयर्स बाय करने चाहिए या फिर स्टॉक्स बाय करने चाहिए और कब सेल करने चाहिए. तो ये भी हमारा आप मूविंग एवरेज से फाइंड आउट कर सकते हैं. ये देखिए एग्जांपल, यहाँ पे देखिए आपको कब सेल करना चाहिए और कब बाय करना चाहिए, ये भी यहाँ पे बताया जा रहा है. सो देखिए, सेल कब करें आप, तो जब हमारा प्राइस आपका ऐसा लगे कि प्राइस डाउन होने जा रहा है उस समय आपको सेल कर लेना चाहिए. ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे हमारा प्राइस अप गया फिर यहाँ से डाउन होना चालू हो गया, तो आपको यहीं पे सेल कर देना चाहिए क्योंकि इसके पास प्राइस और भी डाउन जा सकता है. सिमिलरली यहाँ पे भी आपका प्राइस अप गया होगा
और फिर यहाँ पे आज इतना पहुंच गया तो आपको यही सेल कर देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद और भी नीचे डाउन जा सकता है। बाय कब करना चाहिए, जब आपको लगे कि हाँ अब अपट्रेंड में जा सकता है तो उस टाइम पे आपको बाय कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कब हमको बाय करना है और कब हमको सेल करना है। अब आते हैं हम डायरेक्टली हमारे टाइप्स में, हमारे दो टाइप्स ऑफ मूविंग एवरेजेस होते हैं जो कि हमको पढ़ने हैं। फर्स्ट है अर्थमेटिकल मूविंग एवरेज, दूसरा है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। समझिएगा अर्थमेटिकल मूविंग एवरेज क्या होता है। अर्थमेटिकल मूविंग एवरेज कैलकुलेट करता है एवरेज ऑफ सिलेक्टेड रेंज ऑफ प्राइजेस, यूजली क्लोजिंग प्राइजेस यहाँ पे लेते हैं, बाय द नंबर ऑफ पीरियड्स इन दैट रेंज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम प्राइजेस ले लेंगे और जिस भी पर्टिकुलर पीरियड के आप प्राइजेस लिए, जितने भी नंबर ऑफ पीरियड्स के लिए, फॉर एग्जाम्पल ये 1 डे का, 2 डे का, ऐसे करके हमने 10 डेज का लिया है। सो 10 डेज के प्राइजेस को आपको ऐड करना है डिवाइडेड बाय 10 डेज आप यहाँ पे करेंगे। 10 डेज का हमने लिया तो डिवाइड बाय 10 करेंगे, तो ये होगा आपका नॉर्मल एवरेज, जैसे कि हम बाकी सारे एवरेजेस निकालते हैं, तो उसी को हम अर्थमेटिकल मूविंग एवरेज बोलते हैं। अब ये मूविंग कैसे होता है उसके लिए यहाँ एग्जाम्पल देखिए, आपको फुल क्लैरिटी आएगी। हमने फॉर एग्जाम्पल 10 दिन का हमने लिया है, सो 10 दिन के ये सारे प्राइजेस हैं हमारे। हमने क्या किया, क्लोजिंग जो भी प्राइजेस थे वो हमने ले लिए हैं ये 10 दिन के, ठीक है। ये 10 दिन के हमने प्राइजेस लिए, उसको डिवाइड कर दिया 10 से। अब जब आपको नेक्स्ट डे का प्राइस पता चलेगा, तो यहाँ पे देखिए उसी के नेक्स्ट वाले डे का हमको प्राइस पता चला, तो आप उससे पहले वाले डे का प्राइस को छोड़ देंगे और नेक्स्ट वाले डे का प्राइस को लेते जाएंगे। हर बार आपको ऐसी करना है। फिर अगर इसके आगे का प्राइस पता चल गया तो ये वाला प्राइस छूट जाएगा, आप उसके आगे वाला ले लेंगे। फिर ये छूट जाएगा, उसके आगे वाला ले लेंगे। ऐसे करके आप मूविंग एवरेज फाइंड आउट करते हैं। और जैसा कि आपको एवरेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे प्राइसेस को, कितने डेज के लिए है वो आप डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा मूविंग एवरेज, दैट इज अर्थमेटिकल मूविंग एवरेज। तो ये इजी है कैलकुलेट करना, इससे आई होप आप समझ गए होंगे। फर्स्ट हम फर्स्ट 10 डेज का लिए, फिर अगर 11th डे आ गया तो आपने जो फर्स्ट डे लिया था उसको हमने छोड़ दिया और 11th वाले को ले लिया। फिर समझ लीजिए 12th आ गया तो हम ये वाले को छोड़ देंगे, आगे वाला ले लेंगे। ऐसे करके यहाँ पे प्राइजेस निकाले जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी एक टाइप ऑफ मूविंग एवरेज है जो कि ज्यादा वेट और सिग्निफिकेंस देता है मोस्ट रीसेंट डाटा को। अगर आप अर्थमेटिकल में निकाल रहे हैं ना, तो आप कितने भी दिन का निकाल लीजिए, सबको वो इक्वल वेटेज देगा, किसी को भी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी। लेकिन एक्सपोनेंशियल में क्या किया जाता है, जो करेंट रेट्स है, फॉर एग्जाम्पल आज के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो उससे प्रीवियस 2 दिन के रेट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। तो ऐसा होता है यहाँ पे, मोस्ट रीजन डाटा को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, लेकिन अर्थमेटिकल में इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो ज़्यादातर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ज़्यादा प्रेफरेबल होता है, एज हमारे लिए करेंट डाटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू, अगर आप सबका इक्वल ही लेंगे तो फिर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, ठीक है। सो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मोस्ट रीसेंट डाटा को ज़्यादा सिग्निफिकेंस देता है। हमारे पास आप बुक में चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से रिलेटेड फॉर्मूला दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एट टाइम टी, और उसको डिनोट किया गया है एस टी से। यहाँ पे ए की वैल्यू है वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट, और नॉर्मली आपको क्वेश्चन में दे दी जाएगी, और अगर नहीं दिया है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं 2 / 1 + नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करके, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पी टी, दैट इज इंडेक्स वैल्यू एट टाइम टी। अब ये इंडेक्स वैल्यू क्या है, तो उस पर्टिकुलर आप बोल सकते हैं उस पर्टिकुलर डे की प्राइस प्लस 1 - एक्सपोनेंशियल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय एस टी माइनस 1, दैट इज प्रीवियस डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आप ले रहे हैं। तो इसी को मैं और सॉल्व करूँ तो आपको एक ईजी सा फॉर्मूला मिल जाएगा इसका। तो हम इसको एक बार सॉल्व करते हैं, हमको चाहिए ईएमए, ठीक है। ईएमए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ईएमए के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एक्सपोनेंशियल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय आपको बोला गया इंडेक्स वैल्यू, ठीक है। इंडेक्स वैल्यू सो मल्टीप्लाई कीजिए इंडेक्स वैल्यू से प्लस, यहाँ पे देखा जाए अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे आ जाएगा एस टी माइनस 1 माइनस ए इंटू एस टी माइनस 1, और एस टी माइनस 1 क्या है, ई एम ए फॉर प्रीवियस डे, ठीक है।
माइनस, अब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ है तो हम क्या लेंगे एक्सपोनेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय ईएमए फॉर प्रीवियस डे, ठीक है, प्रीवियस डे का आपको ईएमए लेना है। तो अगर आप इसको और सॉल्व करें तो अगर हम देखें यहाँ पे एक्सपोनेंशियल वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है और यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एक्सपोनेंशियल वैल्यू को कॉमन ले लेते हैं, एक्सपोनेंशियल वैल्यू, यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू है और माइनस में यहाँ पे ईएमए फॉर प्रीवियस डे है, ठीक है, प्लस यहाँ पे हमारे पास एक और ईएमए फॉर प्रीवियस डे बच रहा है। नॉर्मल हमने सॉल्व किया, खुद भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो ये हमको मिल गया फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूला को यूज करके हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निकालेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको शो करती हूँ, वो क्वेश्चन से अब आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निकालना है। ये क्वेश्चन हमने आईसीएआई की वेबसाइट से लिया है, उनके पीडीएफ से। सो देखिए क्या है हमारे पास, क्लोजिंग वैल्यू ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज फ्रॉम 6th to 17th डे ऑफ मंथ ऑफ जनवरी ऑफ द ईयर वेर एज फॉलोज। आपको दिए हुए हैं इतने डेज का ये डेट थी, डे भी आपको दिया हुआ है और उसके हिसाब से सेंसेक्स वैल्यूज दी भी हैं। जिस दिन ट्रेडिंग नहीं हुई है उस दिन के लिए हमारा कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, तो वो हम नहीं लेंगे। यहाँ तक आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको नहीं लेना है। 12 डेज का दिया हुआ है, डेट 17 है और मंडे तक का आपको दिया हुआ है। आपको कैलकुलेट करना है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑफ सेंसेक्स ड्यूरिंग द अबव पीरियड। प्रीवियस डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आप 15,000 ले लीजिए और वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट फॉर 31 डेज आपको दिया हुआ है 0.062, ठीक है, 31 डेज का एक्सपोनेंट वैल्यू 0.062 दिया है। आप इजिली इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। 31 डेज का बोला है तो हमने एक फॉर्मूला देखा था, 2 / 1 प्लस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना, तो 2 / 1 प्लस हम क्या करेंगे 32, तो 2 / 32 दैट इज 0.062 और वही आपको यहाँ पे भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये इजिली कैलकुलेटेबल है, आपको डेज पता होना चाहिए कितने दिन का एक्सपोनेंट हमको लेना है, ठीक है। अब ये क्या काम का है, तो देखिए हमको प्रीवियस डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज चाहिए होता है, तो फर्स्ट ईयर के लिए आपको तो नहीं मिलेगा फर्स्ट डे का, तो फर्स्ट डे का आपको पहले ही दिया हुआ है। सो उसी को हमने पूरा फॉर्मूले को एक टेबल में आपको कन्वर्ट कर दिया है ये वाले फॉर्मूले को। फर्स्ट हमको क्या चाहिए होता है, इंडेक्स वैल्यू, है ना। सो इंडेक्स वैल्यू हमने लिख ली, इंडेक्स वैल्यू में से हम क्या माइनस करते हैं ईएमए फॉर प्रीवियस डे। सो यहाँ पे हम ईएमए फॉर प्रीवियस डे लिखेंगे, फिर उसके बाद इंडेक्स वैल्यू और ईएमए फॉर प्रीवियस डे को हम माइनस करेंगे। इंडेक्स वैल्यू जो आपको सेंसेक्स की वैल्यूज दी हुई है हर डेट के हिसाब से वो हमने ली है, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें एक्सपोनेंशियल वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे वही चीज आप यहाँ पे करेंगे और फिर उसके बाद हमने ईएमए फॉर प्रीवियस डे जो कि आपका बी में आएगा उसको आपकी ये वाली वैल्यू से ऐड कर दिया है और वही चीज आप यहाँ पे करने वाले हैं पूरा टेबल के फॉर्म पे, ठीक है। सो सबसे पहले हम लेंगे ईएमए फॉर प्रीवियस डे, तो ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 15,000, ए माइनस बी दैट इज 14,522 माइनस 15,000 दैट इज इक्वल टू माइनस 478, ठीक है। उसके बाद आपको बोला है सी मल्टीप्लाइड बाय 0.062, तो वो मल्टीप्लाई कर लीजिए, सी ये है मल्टीप्लाइड बाय 0.062 दैट इज 29.636। एक बार ये सब चीजें आप खुद से कैलकुलेट कीजिएगा, एज खुद से कैलकुलेट करेंगे तो आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। तो हमारा डी निकल गया और आपको क्या करना है बी प्लस डी, सो 15,000 प्लस करेंगे माइनस 29.636, तो ये आपका आएगा 14,970.364, ठीक है। सिमिलरली अब ये हो गया हमारा प्रीवियस डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसको आप यहाँ लिख लीजिए। अब इसको यूज करके हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे ए माइनस बी दैट इज 45.364। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 0.062 से जो कि हमारा एक्सपोनेंट वैल्यू है, तो 2.812 आएगा माइनस में। फिर हमको क्या करना है ईएमए फॉर प्रीवियस डे प्लस माइनस 2.812, तो ये आपका आएगा 14,967.55। सिमिलरली आपको आगे यही सारे स्टेप्स फॉलो करते जाने हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको अगर आप इससे माइनस करेंगे तो अब आपकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव में आ रहा है 254.45,
ठीक है। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 0.062 से, तो ये आएगा 15.7756, दैट इज 14983.32। अब इसको हम यहाँ यूज करेंगे 14983.32। अब यहाँ पे इसको इससे माइनस करेंगे अगर आप, तो ये आएगा 1016.68 और यहाँ पे आपका आएगा 63.034 एंड लास्टली 15046.354। सिमिलरली आपको आगे के स्टेप्स भी फॉलो करने हैं सेम उसी तरीके से। अब ये हमने कैलकुलेट कर लिया है, इसके बाद नॉर्मली अगर आप सिर्फ सेंसेक्स को देखें तो ये हमको हर बार ये डिनोट कर रहा है कि प्राइस जो है हमारे मूव हो रहे हैं, ट्रेंड अप ट्रेंड जा रहा है। सिमिलरली अगर आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को देखेंगे तो ये भी हमारा बता रहा है कि आपका प्राइस अप ट्रेंड जा रहा है, लेकिन यह आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से बताएगा जैसा कि हमने पूरा देखा समझा है कि किस तरीके से आपको सब चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं है ना, अगर आपका प्राइस ज़्यादा ऊपर जाता है तो ट्रेंड हमारा जो रहता है मूविंग एवरेज जो रहता है उससे थोड़ा सा नीचे रहता है ना, और ये शो करता है कि हमारा अब ट्रेंड जा रहा है। अगर प्राइस आपका इससे नीचे रहता है इन दैट केस ये शो करता है कि डाउन ट्रेंड जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए हमको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की भी ज़रूरत होती है, और ज़्यादा प्रेफरेबल अर्थमेटिकल मूविंग एवरेज से ज़्यादा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को प्रेफर किया जाता है, और वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो हमने यहाँ पे सीख लिया। अब इससे क्या पता चलता है, एज यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हमारे जो प्राइजेस है वो बढ़ते ही जा रहे हैं हर साल हर डे पे। इन दैट केस आप बोल सकते हैं कि ये हमारा बुलिश मार्केट है, मतलब प्राइजेस जो हैं हर टाइम हमारे हाई होते जा रहे हैं, तो जब प्राइजेस बढ़ते हैं तो वो हमारा बुलिश मार्केट कहलाता है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ हो।